नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रेनू सुनीता। डीआईजी नीलेश आनंद भरने ने कुमाऊं के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में यातायात को सुगम बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद पुलिस का महाअभियान शुरू हो गया है, जिसमें पुलिस पहले चरण में 10 दिनों में यातायात को बाधित करने वाले ऐसे स्थानों को चुनेगी जहां जाम की सबसे ज्यादा समस्या पैदा होती है। डीआईजी नीलेश आनंद भरने का कहना है कि उत्तराखंड एक पर्यटक प्रिय प्रदेश है जहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक जाम से पर्यटकों और स्थानीय लोगों को जो समस्याएं होती हैं उससे निजात दिलाने के लिए पुलिस 10 दिनों के सर्वे में ऐसे ट्रैफिक जाम वाले स्थानों को ढूंढ रही है जहां सबसे ज्यादा जाम लगता है। उनका कहना है कि पुलिस अक्टूबर में यातायात की सुगमता के लिए कुमाऊं में महाअभियान चला रही है, जिसमें यातायात की सुगमता पर पुलिस का अधिक ध्यान रहेगा। ट्रैफिक का जो है बहुत बड़ी समस्या है, कुमाऊं रीजन के तराई रीजन हो या पहाड़ी रीजन हो, सभी जगहों पर जो है, एक हमारा पर्यटन प्रदेश है, बाहर से लोग आते हैं और ट्रैफिक की वजह से काफ़ी परेशानी लोकल लोगों को भी होती है, पर्यटकों को भी होती है। तो सभी जगहों पर पूरे कुमाऊं रीजन में अब 10 दिन हम लोग पूरा सर्वे करा रहे, जो भी ट्रैफिक के जो बॉटल नेक्स है उन बॉटल नेक्स को आइडेंटिफाई कर रहे, जिससे कि जाम रुकती है। तो ये थी हमारे संवाददाता सचिन जोशी की रिपोर्ट। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। नमस्कार।